चारों तरफ संत रामपाल जी के भक्तों का सैलाब यहाँ पर उमड़ चुका है। मानसरोवर पर खचाखच भर चुका है। संत रामपाल जी पर जो लगे झूठे मुकदमों की सीबीआई की जांच की मांग को लेकर आज मानसरोवर पूरा फिल हो चुका है। आज यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं, कुछ माताएं बहनें भी आई हुई हैं, कुछ महिलाएं आई हुई, उनके विचार जानते हैं, उनकी क्या राय है इस प्रदर्शन को लेकर, आखिर क्यों प्रदर्शन करा है, क्यों दर दर के ठोकरें खा रहे हैं। लगभग 3 वर्ष हो गए उनको न्याय ना मिलकर वो जगह जगह जा रहे हैं, उनके विचार जानते हैं, आखिर वो क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। इस पूरी घटना को आप किस तरह देखते हैं? 3 साल हो चुके हैं 18 नवंबर 2014 का वो काला दिन जिस दिन लोकतंत्र की हत्या की गई, धार्मिक अधिकारों की हत्या की गई, धार्मिक अधिकारों का हनन किया गया, उस दिन को एक काले दिन के रूप में हम देखते हैं। हम भक्तों के साथ इस लोकतंत्र तांत्रिक देश में एक तानाशाही की गई हम पर, वो अत्याचार किए गए जो अंग्रेजों ने भी शायद हम पर नहीं किए होंगे। क्यों ऐसा हम भक्तों के साथ किया जा रहा है? हम भक्ति करने के लिए आगे आ रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं उसको इतना दबाया क्यों जा रहा है? आखिर उस ज्ञान में ऐसी क्या सच्चाई है जो देश को, बाकी धर्म गुरुओं को और बाकी की जो सरकार है उसको किस चीज का डर है? संत रामपाल जी महाराज के केसों की सीबीआई की जांच नहीं करवाई जा रही है, जो कि हम लगातार 2006 से सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और उसको वो नहीं करवाया जा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार दोष के घेरे में खड़ी हो जाती है और इस दिन को हम काले दिन के रूप में देखते हैं कि हम पर एक अत्याचार किए गए, लोकतांत्रिक देश में तानाशाही की गई। जितना अत्याचार हम भक्तों पर किया गया शायद ही किसी पर किया गया हो। आपने देखा हो 2014 में जिन भक्तों को पकड़ा गया था, आप देखो हजार भक्तों को पकड़ा गया, संत रामपाल जी महाराज ने भी सरेंडर कर दिया, पूरा आश्रम उनके हाथ में चला गया, उसके बावजूद 3 साल में सरकार खुद भी प्रूव नहीं कर पा रही है। 3 साल में सरकार ने 2 केसों में बरी पाए गए संत रामपाल जी महाराज, उसके बावजूद आप देखो कि हम पर अत्याचार पे अत्याचार किए जा रहे हैं, हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। 776 दिन से हम सीबीआई जांच की मांग को लेकर के दिल्ली जंतर मंतर पर बैठे थे, वहाँ भी हम पर कोई सुनवाई नहीं की गई, उल्टा हम पर अत्याचार करके हमें वहाँ से हटा दिया गया, जबकि जंतर मंतर जगह सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शन करने के लिए ही दी गई थी, लेकिन उसको भी बंद कर दिया गया। ऐसा क्यों हो रहा है समझ ही नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इतना अत्याचार भक्तों पर किया जा रहा है, जो कि ना कि उनमें कोई ऐब है, ना वो बीड़ी पीते हैं, ना तम्बाकू पीते हैं। आप मांग देखो कि मांग लेके आ कौन रहा है, ये चीज बहुत मायने रखती है कि हमारी जो मांगे हैं वो कितनी जेन्युइन है और मांग करने वाले कितने जेन्युइन है, वो कह क्या रहे हैं? एटलीस्ट सरकार को एक बार तो ध्यान तो दे हमारी तरफ, क्यों ध्यान नहीं दे रही है? 1 करोड़ लोग साथ में चलकर एक ही बात पर और एक ही चीज की मांग कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से इंडिया के, तो क्यों नहीं सुनवाई हो रही है, क्या कारण है? बाकी समाज को भी हमारे साथ होना चाहिए, बाकी समाज को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि आफ्टर ऑल ये मांग क्या कर रहे हैं और सरकार इनकी सुनवाई क्या हो जाती है। लेकिन हमारे 11 साल में भी हमारे अगर सभी केसों की सीबीआई जांच नहीं की जा रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो सरकार में दोष है, सरकार को डर है कि उसकी कोई ना कोई सच्चाई सामने आ जाएगी और जो भ्रष्ट नेता हैं वो कहीं ना कहीं जेल के अंदर चले जाएंगे। और संत रामपाल जी महाराज बहुत ही एक स्वच्छ समाज का निर्माण कर रहे हैं, आप पाएंगे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनिए, उन्होंने दहेज प्रथा को जड़ से खत्म कर दिया गया है। 1 करोड़ भगत दहेज मुक्त शादियां कर रहे हैं, जिसका प्रमाण आप डिफरेंट डिफरेंट अखबारों में देख सकते हैं, सोशल मीडिया में देख सकते हैं। देश से जो नशा है आज तक कभी कोई भी समाप्त नहीं कर पाया है, मात्र संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान इस नशे की बीमारी को जड़ से खत्म कर दिया है। उन्होंने भ्रूण हत्या, जो कि एक बहुत ही घिनौना अपराध माना गया है हमारे देश में, उसको संत रामपाल जी महाराज ने जड़ से खत्म कर दिया है। तो आप और क्या चाहिए, एक स्वच्छ समाज को तैयार कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, उनके जो विचार सुनकर समाज सुधर रहा है और उनको जेल में रखा जा रहा है जबकि उन पर कोई भी दोष प्रूव नहीं हुआ है। आरोपी है संत रामपाल जी महाराज, लेकिन आरोप अभी तक प्रूव नहीं हुआ है, फिर भी उन्हें जेल में रखा जा रहा है। 22 महीने पहले जेल में रहे हैं और 3 साल अब हो गए हैं जेल में उन्हें। तो ऐसा क्यों, हम पर क्यों इतना अत्याचार किया जा रहा है, क्यों सरकार हमारी सुनवाई नहीं कर रही है, क्यों कोर्ट हमारी सुनवाई नहीं कर रही है? एक
जज के तानाशाही फरमान जारी कर देने पर 40,000 फौज को एक अस्वस्थ संत को पकड़ने के लिए चढ़ा दिया गया और ऐसा हाल मचा दिया बरवाला घटना में। आप उस दिन को देखें, उस वीडियो को देखें, आपकी रूह ना कांप जाए तो आप देख लेना। भक्तों के साथ वो अत्याचार किए गए, छोटे छोटे बच्चे बूढ़े उनको धक्के मार करके उनको बुरे तरीके से घसीटा गया, मारा गया, जहां मर्जी मारा, जो मर्जी किया, ऐसा क्यों किया गया? तो वो काला दिन नहीं तो और क्या है? ये एक स्टिग्मा है हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन पर कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। अब प्लीज इस ओर ध्यान दे, मोदी सरकार, कोविंद जो राष्ट्रपति हमारे, उन तक ज्ञापन पहुंचा है कि आप हमारे सभी केसों किसी भी आई जांच कराओ, उसका खर्चा भी हम खुद ही वहन करने को रेडी हैं। उसके बावजूद क्यों सुनवाई नहीं हो रही है? क्या हम भारत देश के नागरिक नहीं हैं? हमारी गलती क्या है?